नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है खास मुलाकात में। मैं हाँ तरनजीत कौर घुमण। दोस्तों पिछली बार साढ़े इस एपीसोड में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा भरवा हुंगारा दिता से। साढ़े नाल मस्कट तो साढ़े मेहमान परमजीत सिंह जी जुड़े हुए सन, जिन्हां नाल असीं काफ़ी गल्लां बातां सांझियां कीतियां ते उन्हां दे निजी तजर्बे उन्होंने सांझे किए। तो अज असीं गलबात करांगे मस्कट के बारे में, मस्कट के कानून के बारे में। सो एक मुस्लिम कंट्री है, जेकर किसी ने भारत तो मस्कट जाना है उत्थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किदां ने, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है फिर उत्थे ड्रिंक का सिस्टम किदां हुंदा है, की एलकोहल उत्थे सर्व हुंदी है, या फिर जे गल की जाए औरतों की जिंदगी की तो औरतों की जिंदगी उत्थे कहे जी है, उत्थे दा कानून किस तरीके का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बारे गलबात करांगे। सारे नाल जुड़ चुके हैं जी मस्कट तो साढ़े खास मेहमान मिस्टर परमजीत सिंह जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, सलाम अलैकुम जी, गुड आफ्टरनून जी, एवरीथिंग इज़ वैल, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं आदाब कहना, सलाम कहना, सत श्री अकाल कहना भुल्लर साहब नूं, धी राणी नूं, प्रीतू, जिन्होंने मैनू इस निमाणे नूं मौका दिता, अपने स्टूडियो पा के इज्जत माण दिती। भुल्लर साहब की हलीमे दा कहता, झुक जाना हमारी कमजोरी मत समझो, फलदार शिकायत हमेशा झुकती है। भुल्लर साहब ने आप चाह बना के समोसे आप गर्म करके दिते, मेरी उन्हें मेरे अखा च पानी आ गया। तो महाराज क्या नीवे से गौरा होए, गुरु वाले गुण तेरे अंदर आके बैठ गए, पहले तू नीवा होना सीख लै। साडे पंजाबियों थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी दौलत आ गई, हाँ जी, तो फिर उन्होंने गुरबाणी का जो ज्ञान है, कहते जिसके अंदर ज्ञान नहीं पैकी नहीं बिंद, नानक तना क्या मारियन जी आ मारे गुरु। मैं अपने पंजाबी भरावान लिए सारी दुनिया की वाहगुरु दास कर समझन, हलीमी बख्शो, परिवार प्यार बख्शो, सत्कार बख्शो, इज्जतवान बख्शो, छोटिया प्यार करो, वड्डिया इज्जत दो, प्लस वन। वो कहता कि जितों तक पैसे तो गरूर की गल है, ये दो चीज़ें बंदे बिगाड़दियां ने। महाराज ने कहा, गुरु नानक पूछा कि महाराज दौलत किन्नी होवे, कहिंदे दौलत गुरजरान, औरत ईमान, औलाद निशान, ये कही असी। महाराज ने बहुत सुख ना ही बहुते धन काटे, जे बहुत आनंद बंदा सुखी होंदा फिर बादशाह क्यों दुखी सी। एक सैकेंड, एक बंदे ने बड़ा अच्छा शेर लिखा सी, कहता जो खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं नरम मिजाज अपना, तुम्हारा बोलने का अंदाज बोलता है ये दौलत नहीं नहीं आई है। और दौलत नहीं मंगो जिन्ना अहंकार पैदा होवे, क्रोध पैदा होवे, लोभ मैला पे, दौलत बख्शो किसी का भला हो जाए, किसी के कम असी आ जाइए जी। बिल्कुल। सो मेरी धी राणी ने पूछा है जी, मस्कट कैसा, लोग कैसे, कल्चर कैसा। एक उन्होंने मैंने पिछले इंटरव्यू पूछी थी, गल रह गई सी कि दैट वॉज मनीर कोटला फैमिली, उसे साड़ी बेटी है, मेरी बिल्कुल शक्ल भी जोड़ना मिलती है, नीलम सदीकी, शी बी एम एस सी पी एच डी फ्रॉम चंडीगढ़, एंड शी इज़ शी इज़ टीचिंग डॉक्टर ऑन वेरी हाईली पेड, उत्तर जी टॉप दी यूनिवर्सिटी है उच्च पढ़ाती है। उन्होंने हसबेंड अड़े ने इकबाल सदीकी कम से कम यूपी 100 करोड़ के मालक होंगे। निम्रता इन्नी घर खाना खान जाओ जब तक तुम बाहर जाके गड्डी नहीं बैठ जाते, थोड़ा दरवाजा बंद करते हैं जी। ये सो वो बेसिकली शेर वाली खानदानी औलाद है जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह नवाजा, उन्होंने को गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हाथ लिखित पई हुई है। तो उन्होंने घर पाठ का भोग भी पैंता है, ईवन गुरुद्वारे आते हैं अभी छोटी जी नवाजा उन्होंने, तो हूँ भी उत्थे साड़ी कल पंजाबी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, एंड धन की भी कोई कमी नहीं उत्थे, पैसे की भी कमी नहीं, शौहरत की उन्होंने कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं। बेटा उन्होंने हम हावर्ड च गया जी, पर जो भी हों मैं बुला के वह कहनी सी साढ़े, और तुम हैरान हो गए गल सुन के कि उन्होंने फादर में को आए मेरे कोटला तो उत्थे कम कई कोर्स उन्होंने मालक ने, किसी भी जाकर पूछ लो शेर वाली खानदानी रात, तुम एक गल सुन के दंग रह जाओगे। मेरे को आए तो मैं कह जी नीरा मेरी छोटी भैन है, वह कहना कि तुहाडी छोटी भैन नहीं हैगी, हुणे तुहाडी धी हैगी है। मैं क्यों, कहते जिंदगी का कोई पता नहीं, और कैन यू बिलीव जो उत्थे गए एक हफ्ते बाद डैथ हो गई, उन्होंने अपनी मौत का पासा सी। ऐसिया रब्बी रूह होंदियां ने जिन्होंने किसी का माड़ा नहीं किया, किसी ने बुरा नहीं किया। वो बाबे फरीद वाली गल, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मने हंडाए, देही रोग न लगे, पल्ले सब कुछ पाए। हुण मेरी धी राणी पूछ रही सी मैनू प्लीज कि मस्कट किदां, मस्कट किदां दा, मस्कट छड़ी टैंपरेचर है, कंट्री इन्नी पीसफुल है, क्राइम उत्थे बिल्कुल ना मात्र है, ना मात्र क्राइम आंदा है। और एक्सपैट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, उन्होंने उत्थे रूल्स नहीं पता। वाइफ मेरी ने उत्थे 28 साल काम किया है, शेख सैदी ने अवार्ड दिता वाइफ ने, उन्होंने कहा सिस्टर यू वॉन्ट, आई लाइक सरदार पीपल, सिख पीपल, गुड पीपल, यू लाइक पासपोर्ट, बिकॉज माई वाइफ नर्सिंग प्रोफेशन के बहुत
थोड़े बंद मतलब कि तुम कह लो पंजाबी है जो उ मोस्ट पावर जी डोमिनेट केरला की हैगी है हूँ आबादी बढ़ गई है उत्तर जो किंग ने किंग आइटम ने जो हम आए नवे बहुत डिस्टेंट गाई हाईली एजुकेटेड हाईली प्रोमिनेंट ही इज डूइंग बेस्ट बट बिकॉज ऑफ करोना करके पूरी दुनिया हिल गई वर्ल्ड इकोनमी हिल गई इंप्लायमेंट की प्रॉब्लम आ गई जॉब की प्रॉब्लम आ गई सो वो कंट्री भी फेस कर रही है बट एक्सपायरली इज्जत हैगी है वो लोग इज्जत करते हैं जॉब स्कोप तो घट रही कि पेट्रोल के प्राइस करके भी प्रॉब्लम आ रही है अगों इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है कार आ रही ने बेंच ने कहता अभी हम गड्डिया नहीं बनावे सो पेट्रोल उन्होंने की जी मेन इनकम है वो करके सू उ काफ़ी लॉ चेंज हो रहे हैं बट वो रात को अगर जितने मैं रहना वह नाम था इमरात है जगह उत्थे रात को मैं कई बार एक एक बजे दो बजे पार्टियां तो आना मैं देखना रात को 12:30-1 बजे औरतें कलियां सैर कर रही है बुरका पाया हो मजार है उत्थे अक चुक के औरत वाल देखना भी वह बंदे नूं चीप करते हैं कि ये पिछे एदा खानदान चंगा नहीं जो दिख रहा है साडा पंजाब दा कल्चर का बहुत बुरा हाल हो गया असीं गाण वजाण वल ज्यादा तौर दिता ट्रैक्टर वाल कर दिता बट आई होप सो पंज मुकलां बराबर नहीं है हर जगह अच्छे लोग भी ने माड़े भी ने कनाडा च भी है सब जगह है सो किंग हैतम ने जिन्हें मैं जिनी तारीफ करा थोड़ी है रेस्ट ऑफ जितों तक नीरम सदीकी की गल है वो कमाल की फैमिली है उन्होंने महाराज ने नवाजा होया सही साडा ज्यादा उठना बैठना उत्थे भी मुस्लिम परिवारों में है जिवें तुसीं हुणे गल कीती है उत्थों दे लॉ बारे औरतों की स्थिति बारे जे किसी ने इंडिया तो मस्कट जाना होवे कितना क सौखा है जाना या उत्थे वीजा की लोड़ पैंदी है ते दूजी गल हैगी उत्थे जॉब अपॉर्चुनिटीज हुण तां तुसीं क्या कोविड करके आम तौर ते किहड़ियां जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ने जॉब सारा उत्थे डोमिनेशन इंडिया दी सी पहला उत्थे 6 लाख 14,000 इंडियन कम करता सी हुण कोई 5 लाख रह गया कि हुण चाइनीज भी आ गए ने पहला चाइना का नाम निशान नहीं सी बंगलादेश स्मॉल कंट्री थी जी हम साड़ी पंजाब की लेबर आलमोस्ट जा रही है ज्यादा उत्तर डोमिनेशन बंगालिया की है और बंगाली सस्ते बहुत सस्ती लेबर मिल जाती है उन्होंने करके सू थोड़ा जहाँ सैटबैक पंजाबी लेबर में पहुंचे तो जी एजुकेटेड क्लास है जिन्होंने मेरा जिम्मे बेटा उत्तर स्कूल पढ़िया उन्होंने मनमोहन सिंह अवार्ड दिता ये बस टॉपर दे जी हाँ एजुकेट क्लास है मेरे परम दोस्त प्रीतम सिंह से उन्होंने तीनों बच्चे इतने ने भाई जगदेव सिंह उन्होंने बच्चे इतने ने तो जी हम एजुकेटेड क्लास आ रही है वो बाहर निकल रही है उन्होंने सारा रुझाव कनेडा अमेरिका कनेडा अमेरिका वाला है जी तो जिम्मे हमने तुम गल की है लॉ एंड ऑर्डर की उत्थे किस तरीके का वैसे लॉ एंड ऑर्डर है कि सख्त सजावान ने उत्थे करके उत्थे लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन किया हो पुलिस नाल गलबात करनी हो पुलिस की आप जिम्मे पंजाब पुलिस इस गल बदनाम है भावें हाल हूँ बहुत अगे नो गल चेंजेस हो चुके हैं पुलिस का रवैया आम नागरिकों प्रति कि पुलिस जी है जी उत्थे पुलिस नूं पुलिस नहीं कहिंदे वो तो कहिंदे आरओपी रॉयल ओमान पुलिस ओके इट वॉज ट्रेंड बाय द ब्रिटिश उत्तर जो वे अफसर जो कैप्टन रैंक से जाते हैं पहले उन्होंने इंग्लैंड भेजा जाता है उतो ट्रेनिंग लैके आते हैं हूँ भी अगर मैं कितने गलत काम किया स्पीड का उत्तर कोई पुलिस नहीं रोकती 160 चलाओ उत्तर कैमरे हर 5 किलोमीटर कैमरा लगा है ऑटोमैटिकली महीने बाद बिल आ जाना बिजली का पानी का बिल आ जाता है नहीं गल अगर मैं कोई ओवरटेक कर गया एक्सीडेंट हो गया उन्हें मैंने रोक लिया उत्थे गड्डी गंदी हुए इतने मैंने देखा कनाडा चीनी ना है डिफरेंट है उत्तर माड़ी की गड्डी गंदी हुए फट वो 20,000 फाइन है अच्छा हाँ जी उस मामले बड़े स्ट्रिक्ट ने गड्डी कहीं सड़क इन वाली बनाई फिर तुम गड्डी गंदी है आप तुम्हें कोटा ही पाई गड्डी थोड़ी गंदी हैगी है वही कहें सो पुलिस आएगा वो एनआरपी मैं कह सलाम अलैकुम सरदार केवलाल जैन मैं जैसे कुल्लू जैन कुल्लू फैमिली जैन वो पहले पूछे तू ठीक ठाक है तेरी फैमिली ठीक ठाक है अल्लाह करे तुम लेकिन विनन ते लाइसेंस अपना लाइसेंस दे विनन ते मुल्किया मुल्किया कहते कार कूपन बने हुए वो दिने फिर कहते इनते फी गलतान तू गलत सी तेरी गड्डी बहुत गंदी है सॉरी ये नहीं होना चाहिए फिर या मैं गड्डी कोई ओवरलोडिंग की समान की okay. ओवरलोडिंग एक गड्डी फैमिली की कार के समान पाया भेजता तहु बिजनेस लड़का कार प्राइवेट कार लिखा उस घर का ही समान हो ना हो सो पुलिस का जितना तक कंसर्न है पुलिस एक्सीडेंट मैं कहना इसे करके वो मान छड़न लड़ा पुलिस करके लड़ा मान छड़न दे नहीं करता पुलिस का रवैया तो बहुत ब्यूटीफुल है पुलिस इज वेरी गुड देयर दैट्स कॉल्ड द रॉयल ओमान पुलिस आर ओ पी उत्थे पुलिस कहना भी महंगाई दी गल हैगी है महंगाई तो पूरे वर्ल्ड च हो गई है जो मैं चार साल पहले कनाडा आया सी उदों तो इत्थे प्राइस दिता बिकॉज ऑफ कोरोना हो गया दैन रशिया की ट्रिप प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन की उदों कनाडा का वो भी प्रॉब्लम आ गई वो करके इस और इस सब जगह महंगाई हो गई है महंगाई पर इंडिया वाला हाल नहीं है जो इंडिया च प्राइस जंप हो गए बहुत जल्दी इस मेजर चीज़ों बहुत दे आर वेरी स्ट्रिक्ट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट खाण पीन दी चीज़ों लैके उत्तर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हैगी है और कहती मेरे
ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਲਕੋਹਲ ਓਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ 5-star ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 times ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਯੂ ਆਰ ਕੋਟ ਐਂਡ ਟਾਈਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੋਟ ਇਨ ਯੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਤੰਦੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੰਜਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਗੁੱਡ ਡਰੈਸ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 30% ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 30,000 ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਲਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ 200 ਲੱਖ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰ ਨੋਟ ਅਲਾਓ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਪਰਮਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮਤਲਬ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਔਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਡਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-star ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਚ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਸ ਅਧਾਰਾ ਉਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੋ 5-star ਹੋਟਲ 'ਚ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਰਿਆਲ ਫਾਈਨ ਹੈ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਪੀ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚੂਜ਼ ਦੇ ਕਾਲ ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚੂਜ਼ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਈ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਇਹ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੌਖੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸਨ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਾਰਬੈਂਡਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ GM ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸਲਿਸਟ ਨੇ ਬੋਨ ਦੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਲੂਥਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੋ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲੀ ਬੜੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੋਪਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੱਚਾ 3,000 ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 6 ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿੰਗਮ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਬਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੀਵੇਂ ਸਗੌਰਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੰਕਨ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂ ਤਵੇ ਕਵਿੰਸ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਸੇ ਮੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਾ ਬੇਟੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰੋ ਖਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ NRI ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੈਰੀ ਹੋਨੈਸਟ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਸਕਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ
देखो जी, हम वेरी फ्रैंकली हम हर जगह टाइट है, रात होती है उतने पहले पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी, पॉपुलेशन बढ़ गई है, सो दे आर ट्राइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू देर ओन पीपल, ओमानी पीपल, उन्होंने बच्चे इतने पढ़ने आए हुए हैं। मैं परसों हैरान हो गया, उतों की गवर्नमेंट ने एक बच्चे उत्तर पढ़ने भेजा है, उत्तर की गवर्नमेंट जी उत्तर जो बच्चे स्कूलों टॉपर करते हैं उन्होंने अमरीका इंग्लैंड कनेडा उत्तर की गवर्नमेंट फीड करती है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे होंगे ने। सो ये एक बड़ी हैगी है, तो रेस्ट ऑफ जो एजुकेशन की गल हैगी है वो तो एक प्रॉब्लम है, क्यों तो जी कॉलेज बन गए हैं पर उन्होंने अपने वास्ते वो इन्ने एक्सपेंसिव ने, उन्होंने एक्सपैट वास्ते महंगे ने। सो मोस्टली असं कोशिश यही करते हैं कि अपने बच्चों को असं बाहर ही भेज दईए जी। सो अज की मुलाकात इतें ही खत्म होंगी है, मैं पता थोड़े को समाज बहुत घट सी, आखिर जाने पहला की कहना चाहोगे? जाने तो पहला कहूँगा कि जो भाई कहता जे रब देता है तो शुक्र कर, ये नहीं देता तो सबर कर, कहना माली का कम पानी देना और पर मशक पावे, मालक का कम फल फूल आना और लावे या ना लावे, यावे ना लावे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच साडे प्रोग्राम चाहने इस दे नाल ही फिलहाल दे होई चासा, देखते रहो हमदर्द टीवी, सत श्री अकाल।